नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्रेसवे के बारे में। इससे पहले तो मैं आपसे हालचाल पूछ लूँ कि सभी ठीक होंगे, सब घर में होंगे, सब लोगों ने रूल का फॉलो किया होगा, बाहर नहीं निकले होंगे और अभी भी बाहर मत निकलिए 9 बजे तक, ठीक है? और जैसा भी गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन आता है उसके अनुसार काम करिए, ज़रूरत ना हो तो बाहर मत निकलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे नई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में काफ़ी कमेंट आए, जिसमें लोगों ने ये कमेंट में ये बोला कि ये एक्सप्रेसवे बनने में काफ़ी देरी होगी, कुछ हाईवे प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से लटके हुए हैं। ये बात सच है कि भारत में कई हाईवे प्रोजेक्ट का काम जो है बहुत सालों से चल रहा है। इवन नॉर्थ ईस्ट में जब मैं गया था तो वहाँ पर कई हाईवे प्रोजेक्ट हो गए, रेलवे ब्रिज हो गए, वो बहुत साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। देखिए, जो एक विज़न होता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, वो डिपेंड करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और कौन से प्राइवेट फर्म उस पर काम कर रहे हैं। अगर खासकर स्टेट गवर्नमेंट का जो पोटेंशियल नहीं है या उनका विज़न सही नहीं है तो वो प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली या कह लीजिए नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में इनका काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हुआ, तो वो एक विज़न के जरिए हुआ। इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, ट्रैफिक था मानते हैं कि नोएडा आगरा में ट्रैफिक ज़्यादा है, पर आगरा लखनऊ में इतना ट्रैफिक नहीं था, पर उनका एक विज़न था कि एक ऐसा रोड बने, एक ऐसा एक्सेस कंट्रोल रोड बने जो स्टेट में एक बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल बन सके। जी हाँ, आज भी यूपी में आप देखा जाए तो सबसे अधिक लंबा एक्सप्रेस वे है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे कि एक्सप्रेस वे जो होता है आपका बिल्कुल नए रोड पे बनता है, इसे एग्जिस्टिंग रोड पे नहीं बना सकते। जैसा कि मेरे कमेंट में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि ये एक्सप्रेस वे एग्जिस्टिंग रोड में बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए क्या होता है, एक्सप्रेस वे एक्सेस कंट्रोल होता है। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि उस रोड पर कोई भी, जो भी पर्सन है या एनिमल है, कोई भी आ नहीं सकता, अगल बगल फेंसिंग होती है। साथ ही उसमें कोई भी रोड आके प्रॉपरली इंटरचेंज के जरिए या एग्जिट पास के जरिए मर्ज होता है, मतलब डायरेक्टली कोई भी रोड आके आसानी से मर्ज नहीं होता। अगर आपको किसी विलेज जाना है तो आप प्रॉपरली अंडरपास, अंडरब्रिज की हेल्प से ही जा सकते हैं, इसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। और सबसे खास बात, बीच में डिवाइडर नहीं होता है, ठीक है, कोई कट नहीं होता है, तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस भी कम नहीं है। अगल बगल फेंसिंग होने के कारण वहाँ पर कोई भी शॉप, कोई भी दुकान कहीं भी नहीं होती, जबकि आप नॉर्मल 4 लेन हाईवे पर देखते हैं तो वहाँ पर आपको ईजिली बहुत सारी दुकान, बहुत सारे शॉप्स अवेलेबल होते हैं। अगर हम एक्सप्रेसवे एग्जिस्टिंग रोड पर, पहले से बना हुआ रोड पर बनाएंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम आएगी, इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम, और साथ ही लोगों की दुकान है, शॉप्स है, उनको आप कैसे हटाओगे, एक्सेस कंट्रोल कैसे बनाएंगे। इसीलिए इसको बिल्कुल नई जगह पर, नए लैंड पर बनाया जाता है। तो एक्सप्रेसवे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है लैंड एक्विजिशन की। तो जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, जिसमें कहा जा रहा है काफ़ी टाइम लगेगा, अगर देखिए विज़न अच्छा रहा, सरकार का सही अप्रोच रहा, जैसा कि यूपी के केस में रहा है पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे ने, तो ये 2-3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि अभी इसका इनिशियल स्टेज में जो सर्वे है, साथ ही लैंड एक्विजिशन है, वह स्टार्ट हो गया है। बहुत लोगों ने कमेंट में दिया कि मेरे रूट से ये पास हो रहा है, मेरे गाँव के पास से पास हो रहा है, तो ऐसे मुझे इन्फॉर्म किया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।